हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्या आँख बनने के बाद वुज़ू कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, कितने दिनों बाद पढ़ सकते हैं एंड वुज़ू कब कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, तो आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आँख में हमारा चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे आपका फेको विधि द्वारा हुआ या फिर आपका SICS प्रोसीजर हुआ है, उसमें क्या है, डॉक्टर मोस्ट ऑफ 8 से 10 दिन के लिए आपको पानी अंदर जाने के लिए मना करते हैं कि आँख में अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, आँख में अंदर धूल मिट्टी नहीं जाना चाहिए। बट जैसे ही ऑपरेशन होता है, पट्टी खुलती है, देन नेक्स्ट डे आप इजीली देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 1 वीक बाद देखना है या 2 वीक बाद देखना है, तो फौरन ही आप देख सकते हो। उसी तरह से क्या हमारी आँख में पानी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको 2-3 दिन तक थोड़ा आँख का ज़्यादा ध्यान रखना है, मीन्स पानी से और धूल मिट्टी से। तो आप 1-2 दिन रुक जाइएगा एंड उसके बाद 4-5 दिन बाद आप नॉर्मली, आपको कैसे वुज़ू करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली जैसे हम पानी लेते हैं और इस तरह से आँख को क्लोज करके, ऐसे करके, और इस तरह से हम वुज़ू को ईज़िली बना सकते हैं। आप नॉर्मली नमाज भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़नी या फिर आप 1 महीने तक वुज़ू नहीं कर सकते। तो आप वुज़ू भी कर सकते हैं, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, बट ध्यान रहे कि बहुत आराम से आपको करना है, मींस ऐसे पानी नहीं मारना है, आपको फेस को भी ऐसे वॉश नहीं करना है, क्योंकि वुज़ू में तो ऐसे वॉश ऐसे बनाते नहीं है। बट नॉर्मल भी आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि नॉर्मल फेस धोने के बाद आप नॉर्मल वुज़ू ऐसे बना सकते हो, नॉर्मल आप कर सकते हो, कोई भी सी दिक्कत नहीं है। सो इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।